सीरीज ऑफ गेम थ्योरी के सिक्स्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में गेम थ्योरी का एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसको मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। बताऊंगा कि जिस गेम का सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के पहले मैं गेम थ्योरी पर 5 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके गेम थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम को लेते हैं गेम थ्योरी का। ये एक प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ दो प्लेयर है, ए और बी। ए प्लेयर के लिए 2 प्योर स्ट्रेटजीज है और बी प्लेयर के लिए 4 प्योर स्ट्रेटजीज है, तो ये 2x4 ऑर्डर का गेम हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी गेम को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखते हैं कि उसका सैडल पॉइंट है या नहीं। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है, जो मैं पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सैडल पॉइंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रो का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, रो मैक्सिमम निकालते हैं और फिर कॉलम मिनिमम निकालते हैं, कॉलम का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वो सारे पर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो रो का मैक्सिमम वैल्यू जो है, इस रो का फर्स्ट रो का आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1, 3, -3 और 7 में से मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए। और ये 4 जो है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो इसमें से मैक्सिमम 5 है। फिर हम लोग कॉलम का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसका मिनिमम आप देखिए 1 और 2 में से मिनिमम 1 है, इसका मिनिमम है 3, इसका मिनिमम है -3 और इसका मिनिमम है -6। तो सैडल पॉइंट के लिए देखना पड़ता है कि रो का मैक्सिमम वैल्यू और कॉलम का मिनिमम वैल्यू सेम होना चाहिए। तो कोई कॉमन वैल्यू होना चाहिए जो रो के मैक्सिमम में भी है और कॉलम के मिनिमम में भी है। तो रो के कॉलम के मिनिमम में है 1, 3, -3 और -6 और रो के मैक्सिमम में है 7, 5। तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं, यहाँ 7, 5 है, यहाँ 7, 5 किसी में नहीं है। तो कोई कॉलम वैल्यू नहीं, यानी कि इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए अगर सैडल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं दिस 2x4 गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। ये जो 2x4 ऑर्डर का जो गेम है इसका कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। तो देयरफॉर वी शैल यूज ग्राफिकल मेथड टू रिड्यूस दिस गेम टू 2x2 गेम। अगर सैडल पॉइंट होता है तो वो प्योर स्ट्रेटजी होता है, उसका सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा, ए प्लेयर के लिए बी प्लेयर के लिए मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2x2 ऑर्डर के गेम में इसको रिड्यूस करते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए एक तरीका होता है डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल से भी इसका हम लोग साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और 2x2 ऑर्डर में बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल में देखिए इसको सॉल्व जो करना है वो ग्राफिकल मैथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर डोमिनेंस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ग्राफिकल मैथड का ही यूज करेंगे और ग्राफिकल मैथड से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से इसको रिड्यूस करेंगे 2x2 ऑर्डर के गेम में। अभी ये 2x4 ऑर्डर का गेम है तो इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका होता है ग्राफिकल मेथड में, यही यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। देयरफॉर वी शैल यूज ग्राफिकल मेथड टू रिड्यूस दिस गेम टू 2x2 गेम। 2x2 गेम में रिड्यूस करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो प्लेयर है इस प्योर स्ट्रेटजी को एक्स प्रोबेबिलिटी से इसको सेलेक्ट करता है और इस प्योर स्ट्रेटजी को 1-x प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट करता है। सपोज करते हैं कि लेट एक्स एंड 1-x आर द प्रोबेबिलिटीज विथ विच द प्लेयर ए यूजेज हिज प्योर स्ट्रेटजी। इस प्योर स्ट्रेटजी को एक्स प्रोबेबिलिटी से और इस प्योर स्ट्रेटजी को 1-x प्रोबेबिलिटी से ए जो है इसको चूज करता है।
जब अगर ये सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होता है। मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी होता है, तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करते हैं कि ये स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी और ये प्योर स्ट्रेटजी चूज करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग पता करते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है, और वही प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हम लोग का सॉल्यूशन बता देता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस प्योर स्ट्रेटजी को एक्स प्रोबेबिलिटी से और इस प्योर स्ट्रेटजी को 1-x प्रोबेबिलिटी से इसको चूज कर रहा है, और ये एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल हो सकता है, तो वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब द एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू प्लेयर ए फॉर डिफरेंट प्योर स्ट्रेटजी यूज बाय प्लेयर बी मे बी टेबुलेटेड एज फॉलोज। अब क्या हम लोग करते हैं कि ए प्लेयर के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना मिलेगा उसको। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालते हैं, देखिए बी प्लेयर के लिए यहाँ पर फोर प्योर स्ट्रेटजीज है, या तो ये एक्शन चूज कर सकता है या ये या ये या ये। तो इसमें से अगर सपोज कीजिए बी प्लेयर जो है वो फर्स्ट एक्शन को चूज करता है, फर्स्ट प्योर स्ट्रेटजी को चूज करता है, उस समय ए का एक्सपेक्टेड गेन कितना होगा। तो एक्सपेक्टेड गेन जो होगा वो ईवी से डिनोट करते हैं हम लोग, ई ऑफ बी से। तो एक्सपेक्टेड गेन निकालने का क्या तरीका होता है कि अगर ये बी प्लेयर जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करता है तो क्या करेंगे, इस पी एफ को इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस फिर इस पे ऑफ को यहाँ से इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1-x। इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल जाता है ए प्लेयर के लिए। यदि बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी को, फर्स्ट प्योर स्ट्रेटजी को चूज करता है, उस समय ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ या एक्सपेक्टेड गेन आप कह लीजिए, तो ये एक्सपेक्टेड गेन होगा इसका। तो ये यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि द एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू प्लेयर ए फॉर डिफरेंट प्योर स्ट्रेटजी यूज बाय प्लेयर बी। बी प्लेयर जो है वो डिफरेंट प्योर स्ट्रेटजी अगर यूज करता है तो ए का जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा मे बी टेबुलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक टेबल बना करके हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ये टेबल में क्या लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ प्लेयर ए। एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन बना दे रहे हैं या गेन बना दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन भी रखेंगे और गेन भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑफ प्लेयर ए। तो देखिए प्योर स्ट्रेटजी पहला कॉलम जो बनाएंगे इस टेबल का, उसमें बनाएंगे प्योर स्ट्रेटजीज यूज बाय प्लेयर बी। प्लेयर बी के पास फोर प्योर स्ट्रेटजी है, 1, 2, 3, 4, तो ये चारों में से कोई भी चूज कर सकता है। तो अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी बी प्लेयर चूज करता है, उस समय ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन यही होगा जो मैं अभी बताया। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन निकालने का क्या तरीका है, इसको इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 1 × x प्लस 2 × 1-x। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन होगा ई ऑफ भी जो है ये हो जाएगा 1 × x प्लस 2 × 1-x। इसको कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए, तो -2x में प्लस x ऐड करते हैं तो -x आ रहा है और प्लस 2 यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन हो गया। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन जो है, ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू जो आएगा वो x पर डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या रखेंगे। अगर x का वैल्यू हम लोग जीरो, मैक्स मिनिमम वैल्यू जीरो रख सकते हैं, क्योंकि x क्या बता रहा है, x बता रहा है प्रोबेबिलिटी। तो x प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी का जीरो होता है और मैक्सिमम वैल्यू वन होता है। तो यहाँ पर जीरो और वन के बीच में ही x वैरी करेगा, तो जीरो और वन के बीच में डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर e ऑफ b का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेकेंड स्ट्रेटजी, अगर बी प्लेयर सेकेंड प्योर स्ट्रेटजी चूज करता है, उस समय ए को कितना एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिलेगा। अगर ये सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करता है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1-x से, तो ये हो जाएगा 5 × 1-x। तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो गया ए प्लेयर का यदि बी प्लेयर सेकेंड प्योर स्ट्रेटजी चूज करता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड के सामने लिख देंगे कि अगर प्योर स्ट्रेटजी बी प्लेयर जो है वो सेकेंड चूज कर रहा है, उस समय एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है, ई ऑफ वी कितना आ रहा है, देखिए 3x + 5 × 1-x आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर -5x + 3x, ये हो गया -2x और +5।
तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल गया। अब फिर इसी तरीके से अगर बी प्लेयर थर्ड प्योर स्ट्रेटजी चूज करता है उस समय ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, माइनस थ्री को इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री एक्स, और प्लस फोर को इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर इंटू वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा e ऑफ v, इसको e ऑफ v से डिनोट कर रहे हैं, ये माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इंटू वन माइनस एक्स आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर यही है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स और प्लस फोर आ रहा है। यदि बी प्लेयर फोर्थ स्ट्रेटजी को चूज करता है, फोर्थ प्योर स्ट्रेटजी को, उस समय ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं, तो ये कैसे निकलेगा, सेवन इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस सिक्स इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग टेबल में डाल देते हैं इसको, कि अगर बी प्लेयर जो है वो फोर्थ प्योर स्ट्रेटजी को चूज करता है उस समय एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना निकल रहा है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल रहा है सेवन एक्स माइनस सिक्स इंटू वन माइनस एक्स। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सेवन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स, सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्स थर्टीन एक्स हो गया, 13x और फिर आगे आ रहा है माइनस सिक्स। अब देखिए आगे कि x जो है वो प्रायोरिटी को इंडिकेट कर रहा है कि इस प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का ये प्रायोरिटी है, तो x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि मिनिमम प्रायोरिटी 0 और मैक्सिमम प्रायोरिटी 1, तो ये दोनों पर हम लोग टेबल में a का एक्सपेक्टेड गेन निकाल लेंगे कि x इक्वल टू 0 पर क्या एक्सपेक्टेड गेन होगा और x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, यानी 0 प्रायोरिटी और 1 प्रायोरिटी के साथ। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगा e ऑफ v जो आएगा फर्स्ट, यदि प्लेयर b फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करे उस समय एक्सपेक्टेड गेन कितना होगा x इक्वल टू 0 पर, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ x के जगह 0 पुट करेंगे तो 5, x के जगह 0 पुट करेंगे तो 4 और इसके लिए माइनस सिक्स आएगा। अब x के जगह 1 पुट करके भी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ x के जगह 1 पुट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, x के जगह 1 पुट करते हैं तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ x के जगह 1 पुट करते हैं तो 13 माइनस सिक्स यानी कि 7 हो जाएगा। तो ये निकल गया एक्सपेक्टेड गेन यदि ए प्लेयर जो है वो 0 प्रायोरिटी रखता है तो, और अगर 1 प्रायोरिटी रखता है तो एक्सपेक्टेड गेन निकल गया। अब हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा चलिए आगे देखते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सिस होगा वो एक होगा एक्स एक्सिस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ है, एक्स है और ई ऑफ वी है, तो एक एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन में, और दूसरे लाइन में ई ऑफ वी यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ले रहे हैं उसमें एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टिकल लाइन ले रहे हैं उसमें ई ऑफ वी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ई ऑफ वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को अभी भूल जाइए, इस लाइन को आप दिमाग से हटा दीजिए। तो ये दो लाइन है, एक में एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक में हम लोग ई ऑफ वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आएगा ये 1 होगा, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ये पॉइंट जो है वो 1 है। इतना ही फिर आगे ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1, एक्स तो प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी है तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 होता है, तो हम लोग को 1 तक ही रहना है। तो और मिनिमम जो होता है वो एक्स का वैल्यू 0 होता है, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर और एक्स इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर, और इधर जो दिखाना है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखाना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, अब देखिए मिनिमम वैल्यू जो है वो एक्स का 0 है उस समय एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, और मैक्सिमम वैल्यू एक्स का 1 है उस समय एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसी के बीच में होगा। इस स्ट्रेटजी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 और 1 के बीच में होगा, और ये 5 3 के बीच में आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का आप देखिए मिनिमम वैल्यू माइनस 6 तक दिखाना है, नेगेटिव भी दिखाना है और पॉजिटिव भी दिखाना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो पॉजिटिव में 7 तक दिखाना है। तो आप टेबल में ग्राफ में माइनस 6 और 7 तक दिखा दीजिए। तो देखिए इधर जो है वो पॉजिटिव होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग 7 तक ले लिए हैं, और इधर जो है वो माइनस 6 तक ले लिए हैं। अब करना क्या है, इधर एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखाना है, अब ये लाइन को ड्रॉ करना है, ये जो है ई ऑफ वी
इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये देख रहे हैं आप लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग x बराबर जीरो पर पहले निकाल लेते हैं कि x की जगह जीरो बैठाते हैं, उस समय e ऑफ v कितना आएगा, तो e ऑफ v हो जाएगा 2, और x इक्वल टू 1 पर निकाल लेते हैं तो e ऑफ v क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी लाइन को आप ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू x प्लस 1 को ही ड्रॉ करते हैं, तो क्या करते हैं आप एक टेबल बना लेते हैं जिसमें से x और y को लिखते हैं, तो x का एक वैल्यू लिखते हैं और फिर एक x का वैल्यू मान लीजिए अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, दो वैल्यू लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिख लेते हैं, तो वही काम कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 लिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग e ऑफ v का, यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग e ऑफ v का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब क्या करते हैं हम लोग ग्राफ में, जैसे ये दो पॉइंट को दिखाते हैं 0 1 1 2, उसी तरीके से यहाँ दिखाएंगे 0 और 2, तो 0 2 कहाँ होगा, x 0 है और y 2 e ऑफ v 2 है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ हो गया और e ऑफ v 2 x का जो वैल्यू है ये x पर 0 यहाँ पर है और ये ऑफ v 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा 0 और 2। दूसरा लेना है 1 और 1, x इक्वल टू 1 और ये ऑफ v इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर है और e ऑफ v 1, तो e ऑफ v 1 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये आप क्या कीजिए कि इसके लिए हम लोग इस तरीके से जो दिखाते हैं, इसके लिए क्या कीजिए कि एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ज़्यादा आसान होगा हम लोग के लिए काम करना, कि एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर आप जीरो मत समझिएगा कि इसमें एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू वन है, यहाँ पर ये जीरो कौन सा इंडिकेट कर रहा है, इस ई ऑफ वी का जीरो बता रहा है, जैसे ई ऑफ वी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरीके से एक्स e ऑफ v का वैल्यू ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो ये 0 बता रहा है e ऑफ v का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो x इक्वल टू 1 है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 हम लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। तो क्या करते हैं इसके लिए, बड़ा आसान तरीका होता है, देखिए ये दो पॉइंट आए हैं ना यहाँ पर, ये दोनों लाइन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि x इक्वल टू 0 जो लाइन है उस पर 2 लीजिए और x इक्वल टू 1 जो लाइन है उस पर 1 लीजिए, तो x इक्वल टू 0 जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है उस पर हम लोग 2 ले लिए और ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 वाला लाइन है इस पर 1 ले लिए, इस दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिएगा, तो इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन बन गया, तो फर्स्ट लाइन e ऑफ v इक्वल टू यही था, तो ये इसका इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी का हो गया, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं, बाद में इसका इक्वेशन भी लिख देंगे, तो ये फर्स्ट स्ट्रेटजी का हो गया। अब सेकेंड स्ट्रेटजी का फिगर बनाने के लिए, सेकेंड स्ट्रेटजी जो है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फंक्शन जो है ये आ रहा है, तो इसका हम लोग फिगर बनाने के लिए क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0 पर 5 लेंगे और x इक्वल टू 1 पर 3 लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है इस पर आप 5 ले लीजिए और x इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है तो इस पर आपको 3 लेना है, तो 5 और 3 लेकर के इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो देखिए ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरीके का लाइन आ रहा है। अब ये सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए हो गया, यहाँ पर अभी फिलहाल सेकेंड लिख दे रहे हैं, बाद में इसका फंक्शन का वैल्यू भी लिख देंगे, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी। अब थर्ड स्ट्रेटजी के लिए देखिए कि x इक्वल टू 0 पर 4 लेना है और x इक्वल टू 1 पर माइनस 3 लेना है, तो 4 और माइनस 3 आप ले लीजिए, तो ये 4 हो गया और माइनस 3 कहाँ पर है, माइनस 3 यहाँ पर है, तो इसको आप ले लीजिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ज्वाइन करने पर ये लाइन आ रहा है। अब देखिए फिर फोर्थ स्ट्रेटजी का क्या वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर माइनस 6 और x इक्वल टू 1 पर 7, तो माइनस 6 लिखी लीजिए 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, और दूसरा लेना है x इक्वल टू 1 पर 7 लेना है, ये दोनों को आप ज्वाइन कर देना है, तो देखिए दोनों को ज्वाइन करने पर कौन सा लाइन बनता है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये लाइन आ रहा है। अब ये जो है वो फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए है और ये जो आया था वो थर्ड स्ट्रेटजी के लिए है। अब क्या कीजिए, आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट स्ट्रेटजी का इक्वेशन क्या था, e ऑफ v इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक छोटा सा e ऑफ v इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ये सेकेंड, ये थर्ड स्ट्रेटजी के लिए आप देख रहे हैं, तो थर्ड स्ट्रेटजी का भी इक्वेशन लिख दीजिए, थर्ड स्ट्रेटजी का है यहाँ पर आप देख रहे हैं e ऑफ v इक्वल टू माइनस 7x प्लस 4 है,
और फिर इसी तरीके से आप बाकी सब का भी लिख दीजिए। ये सेकेंड स्ट्रेटजी का था, तो सेकेंड स्ट्रेटजी का क्या फंक्शन का ये इक्वेशन का लाइन है, सॉरी इक्वेशन है इस लाइन का, ई ऑफ वी इक्वल टू है -2x + 5 है। और एक फोर्थ स्ट्रेटजी जो है उसका भी लिख दीजिए, ई ऑफ वी इक्वल टू 13x - 6 है। तो यहाँ पर लिख जाते हैं ई ऑफ वी इक्वल टू 13x - 6 है, तो 13x - 6 लिख गए। तो इस तरीके से ये सभी फर्स्ट स्ट्रेटजी का भी इक्वेशन लिख दिए हैं, सेकेंड स्ट्रेटजी का भी इक्वेशन लिख दिए हैं, यहाँ पर थर्ड स्ट्रेटजी का भी इक्वेशन लिख दिए हैं और फोर्थ स्ट्रेटजी का लिख दिए। अब जरा समझिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है। एक यहाँ पर जो दोनों लोवेस्ट, देखिए कि लोवेस्ट लाइन कौन सा है, लोवेस्ट बाउंड्री ढूंढिए। तो लोवेस्ट बाउंड्री ये है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसका नाम हम लोग दे देते हैं P। तो लोवेस्ट को आप थोड़ा सा थिक कर दीजिए, ये मोटा कर दीजिए, ये जो लाइन है क्यों मोटा कर रहे हैं और लोवेस्ट ही क्यों चूज कर रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा थिक कर दे रहे हैं और बोल्ड कर दे रहे हैं इस लाइन को, और इस लाइन को भी यहाँ पर जो लोवेस्ट बाउंड्री, पूरा लोवेस्ट बाउंड्री को आप थिक कर दीजिए। देखिए ये ए प्लेयर के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो ए प्लेयर क्या चाहता है, ए प्लेयर चाहता है कि जो उसको मिनिमम गेन हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। जब भी गेम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ए प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लेयर जो है वो मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और बी प्लेयर जो है वो मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमैक्स मैक्सिमिन क्राइटेरिया कहते हैं इसको, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लेलिस्ट में भी जा करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लेयर जो चाहता है वो चाहता है मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करे, तो मिनिमम गेन यही होगा, ये मिनिमम गेन होगा। और मिनिमम गेन कब होगा, जब बी प्लेयर जो है वो थर्ड स्ट्रेटजी अगर चूज करता है प्योर स्ट्रेटजी, और ये कौन सा लाइन है, ये फोर्थ प्योर स्ट्रेटजी का है, तो थर्ड और फोर्थ प्योर स्ट्रेटजी अगर बी प्लेयर चूज करता है तो उस समय इसको मिनिमम गेन होगा, और इसी मिनिमम गेन को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम कब मिल रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर मिल रहा है, तो ये जो पी पॉइंट है, यही पी पॉइंट पर यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ पर तो जीरो है एक्स और यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा तो इस पर पॉइंट पर भी एक्स का कोई वैल्यू आएगा। ग्राफ में आपको ये बनाना है तो ग्राफ में पता चल जाएगा कि ये कौन सा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से ड्रॉ करने पर। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वही इसका फर्स्ट स्ट्रेटजी, ए प्लेयर के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करने का ये प्रोबेबिलिटी बता देगा। तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम गेन में से मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर पता ए को मिलेगा, तो ए का हम लोग को ये निकालना रहता है, मिनिमम में से मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो बी प्लेयर है, अब बी प्लेयर कौन सा स्ट्रेटजी चूज करेगा, थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी चूज करेगा, इसका बेस्ट स्ट्रेटजी जो होगा बी प्लेयर के लिए ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड स्ट्रेटजी है और फर्स्ट स्ट्रेटजी है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे टेबल से, वो पे ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रेटजी को डिलीट कर देंगे, नहीं लिखेंगे, अब हम लोग सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी रखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग साइज रिड्यूस करते हैं, तो साइज रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग बी प्लेयर के लिए सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी ही चूज करेंगे, यानी थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी ही रखेंगे, बाकी दोनों स्ट्रेटजी को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, और उसके बाद इसको 2x2 ऑर्डर का गेम में हम लोग बदल देंगे, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि नाउ द लोवेस्ट बाउंड्री ए पी बी, देखिए फिगर में इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं ए, यहाँ पर पी और ये बी है, तो लोवेस्ट बाउंड्री यही है ए पी बी। तो नाउ द लोवेस्ट बाउंड्री ए पी बी टू दिस लाइन्स गिव द मिनिमम एक्सपेक्टेड पी ऑफ टू ए, ये ए प्लेयर के लिए मिनिमम एक्सपेक्टेड पी ऑफ बताएगा, ये लोवेस्ट बाउंड्री जो है ये मिनिमम गेन बताएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड पी ऑफ का ही ये लाइन है। तो द हाइएस्ट पॉइंट पी ऑन दिस लोवेस्ट बाउंड्री विल गिव द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पी ऑफ, अब ये मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पर मिलेगा पी पॉइंट पर, तो ये पी जो है वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पी ऑफ बताएगा ये मिनिमम में से। तो आगे आप देखिए
कि 10 द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी आर थर्ड एंड फोर प्योर स्ट्रेटजीज पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अब इस पी पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है ये दो, ये किस स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, किस स्ट्रेटजी से एसोसिएटेड है, ये देखिए आप सेकेंड थर्ड से है और ये जो लाइन है वो फोर्थ से है। तो पी पॉइंट जिस दो स्ट्रेटजी से पास कर रहा है वही जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा प्लेयर बी के लिए। तो हम लोग अब सिर्फ थर्ड और फोर्थ को कंसिडर करेंगे, बाकी दोनों को पहले फर्स्ट और सेकेंड को डिलीट करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, तो अब आगे देखिए क्या करते हैं कि देयर फॉर द गेम इज रिड्यूस टू 2/2 गेम। अब 2/2 गेम में रिड्यूस हो जाएगा गिवन बाय द फॉलोइंग पी ऑफ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन था पहले। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग को क्या करना है कि थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी ही वो प्योर बेस्ट स्ट्रेटजी होगा बी प्लेयर के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी को आप डिलीट कर दीजिए, सेकेंड स्ट्रेटजी को डिलीट कर दीजिए बी प्लेयर के लिए, तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ को रखिए। तो थर्ड और फोर्थ को हम लोग लेकर के बना लेते हैं एक पी ऑफ मैट्रिक्स, बी प्लेयर का थर्ड और फोर्थ रख रहे हैं और ए प्लेयर का तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों रहेगा। तो पी ऑफ कितना है, -3/7 यहाँ पर लिख दिए और फोर माइनस सिक्स लिख दिए, तो ये रिड्यूस हो गया। तो हम लोग ये ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं, साइज को 2/2 ऑर्डर में हम लोग ले आते हैं और 2/2 ऑर्डर में जब आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सपोज करते हैं कि बी प्लेयर का इस स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी y1 है और इस स्ट्रेटजी को प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी y2 है। ए प्लेयर के लिए मान लेते हैं कि इस प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी x1 है और इस प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी x2 है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि लेट x1 x2 आर द प्रोबेबिलिटीज विथ विच प्लेयर ए चूजेज हिज प्योर स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड y1 y2 आर द प्रोबेबिलिटी विथ विच प्लेयर बी चूजेज हिज बेस्ट स्ट्रेटजी थर्ड एंड फोर्थ। बी प्लेयर जो है वो थर्ड और फोर्थ बेस्ट स्ट्रेटजी इसके लिए हुआ, तो उसको चूज करने का प्रोबेबिलिटी y1 y2 और एक का लिए फर्स्ट और सेकेंड का चूज करने का x1 x2 ये मान लिए। अब देखिए जो पी ऑफ मैट्रिक्स आया है, इस पी ऑफ मैट्रिक्स में ये v11, इसको v12, इसको v21 और इसको v22 कहेंगे। तो ये v11 का वैल्यू -3 और v12 का वैल्यू 7, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ना v11 इक्वल टू -3 और v12 इक्वल टू 7। फिर देखिए ये v21 4 हो गया और v22 -6 हो गया, ये वैल्यू जो आता है पी ऑफ जो आता है उसको v11 वगैरह से डिनोट करते हैं। तो ये v21 हो गया 4 और v22 हो गया -6। अब हम लोग x1 x2 वगैरह सभी निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे। तो x1 निकालने का ये फॉर्मूला होता है v22 माइनस v21 डिवाइडेड बाय v11 प्लस v22 माइनस v12 प्लस v21। तो v22 का वैल्यू आप देख रहे हैं -6 है, तो -6। v21 का वैल्यू है 4, तो 4 कर दिए और v11 का वैल्यू है -3 यहाँ पुट कर दिए, v22 का वैल्यू है -6 ये भी पुट कर दिए, v12 का वैल्यू है 7 यहाँ पर पुट कर दिए, v21 का वैल्यू है 4 ये पुट कर दिए। तो -6 -4 -10 हो गया और ये -9 और -11 आ रहा है, -20, तो ये कैंसिल होकर के 1/2 आ गया। इसी तरीके से x2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे, y1 निकालने का फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे, y2 के फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे। तो ये आप खुद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कुछ विशेष है नहीं, यहाँ पर पुट कर लीजिएगा तो ये सारा का वैल्यू निकल जाएगा और वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो इससे वैल्यू ऑफ द गेम निकल जाएगा। तो ये पता चल गया हम लोग को कि ए प्लेयर फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी को 1/2 और 1/2 प्रायोरिटी से चूज करेगा और बी प्लेयर जो है वो थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी को चूज करने का ये प्रायोरिटी है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड उसके लिए बेस्ट नहीं है और बी प्लेयर के लिए थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी चूज करने का ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी वो कभी चूज नहीं करेगा क्योंकि वो वहाँ पर ग्राफिकल मेथड से हम लोग देख चुके हैं कि उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी थर्ड और फोर्थ था। तो थर्ड और फोर्थ का प्रायोरिटी ये निकला और फर्स्ट और सेकेंड का क्या प्रायोरिटी हो जाएगा, उसको चूज ही नहीं करेगा तो उसका प्रायोरिटी हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रेटजी का प्रायोरिटी हो जाएगा 0 और सेकेंड स्ट्रेटजी का भी प्रायोरिटी हो जाएगा 0 बी प्लेयर के लिए। और थर्ड स्ट्रेटजी का प्रायोरिटी निकल चुका है, थर्ड स्ट्रेटजी का निकाले हुए y1 जो निकला था, थर्ड स्ट्रेटजी का 13/20 है और फोर्थ स्ट्रेटजी का भी प्रायोरिटी निकल चुका है, फोर्थ स्ट्रेटजी का प्रायोरिटी कितना है 7/20 है। तो इस तरीके से ये अब लास्ट में जो है वो हम लोग को गेम का सॉल्यूशन लिख देना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो लास्ट में लिख देना सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज
फोर प्लेयर ए ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी 1/2 एंड 1/2, ये फर्स्ट प्लेयर का भी ए फर्स्ट प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 निकला था एक्स वन का वैल्यू, और सेकेंड का एक्स टू का भी वैल्यू 1/2 निकला था। तो प्लेयर ए के लिए मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो जाएगा 1/2 1/2, यानी कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को भी 1/2 प्रोबेबिलिटी से चूज करेगा और सेकेंड स्ट्रेटजी को भी 1/2 प्रोबेबिलिटी से चूज करेगा। और फोर प्लेयर भी ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी तो ये चूज नहीं कर रहा था, ये थर्ड और फोर्थ ही बेस्ट स्ट्रेटजी था, तो इसका प्रोबेबिलिटी 13/20 और 7/20, और ये दोनों का प्रोबेबिलिटी 0-0 हो गया। और द वैल्यू ऑफ द गेम इज 1/2 2a। वैल्यू ऑफ द गेम आप देखिए, वैल्यू ऑफ द गेम कितना निकला है, यहाँ पर 1/2 निकला है। तो प्लेयर ए के लिए वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा 1/2, और जितना ए को गेन होता है उतना ही बी को लॉस होता है। तो बी के लिए अगर आप देखिएगा तो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा -1/2। अगर ए को 1/2 गेन हो रहा है तो बी को -1/2 का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को, जो देखिए ये जो ऑर्डर था वो 2/4 ऑर्डर का था, 2 रो 4 और 4 कॉलम था, तो 2/m ऑर्डर का अगर रहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि n/2 ऑर्डर का रहे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ वीडियो में है, उसको आप देख सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिड्यूस करते हैं साइज और उसको 2/2 ऑर्डर में बदलते हैं, और 2/2 ऑर्डर में बदलने के बाद फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी निकाल लेते हैं प्लेयर ए के लिए भी और प्लेयर बी के लिए भी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक करें। चलिए इस वीडियो को यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।